आज देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है बिल सैंडी। तो आप लोगों को बता दूं बिल सैंडी होता क्या है। बिल सैंडी का बेसिकली आप लोग सब जानते हो क्या यूज होता है, किसी भी अमाउंट में बैलेंस को बढ़ाने की। जैसे अगर आप हम बोलेंगे अगर हम कच्चे पे ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब हमारे पास कोई टैक्स नहीं है, जैसे सपोज मैंने इसी पार्टी को दीपक चौधरी को माल सेल कराए, ठीक है, और मैंने बोला 500 रुपए इस पे पैकिंग लगी, क्या लगी मेरी F2 से नीचे आया और यहाँ लगा दी पैकिंग चार्ज कितने 500 रुपए, तो ये बिल में कितनी हो गई 5500 रुपए हो गई, 55000 रुपए का बिल बन गया। मतलब 50000 रुपए का तो इसका फाइनल अमाउंट था, देन 5000 रुपए क्या लगी इसकी पैकिंग, तो बिल कितना बन गया 55। तो दीपक चौधरी से हम कितना पैसा लेंगे 55000 रुपए। जोड़ना या घटाने के लिए बिल सेंट्री यूज होती है, मतलब आपके उस आइटम के हिसाब से अलग से खर्चा। जैसे आप कहीं माल लेने जाते हो, उसने कहा कि भाई पैकिंग करूंगा 200 रुपए लूंगा, जैसे आप सपोज किसी ने गिफ्ट खरीदा और उसे पैकिंग पन्नी नहीं खरीदी 10 रुपए लेता है ना गिफ्ट वाला, तो वही हिसाब है, तो आपकी कॉस्ट कितनी होगी 210 रुपए होगी। अगर गिफ्ट 200 रुपए का 10 रुपए की पन्नी चढ़ने का कॉस्ट कितनी होगी 210, तो एकदम बिल्कुल यही क्वेश्चन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब मैंने इसको सेव कर दिया, ये लोग आप लोग सब जानते हो, ठीक है, लेकिन बिल सैंडी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो आप लोगों को नहीं पता है। कल का एग्जांपल देखो, कल मेरे पास यूपी गाजियाबाद से एक फोन आया कि सर मैं आपका बिजली से यूट्यूब चैनल देखता हूँ, अब तक मैंने आपकी सारी वीडियो देखी, तो उन्होंने बोला कि सर मुझे एक प्रॉब्लम है, तो मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम बताइए, तो उन्होंने बोला कि सर जब मैं बिल सैंडी डालता हूँ ना, देखो सर मैंने यहाँ बिल सैंडी डाली इस पर 10% 20% डिस्काउंट, ठीक है 10000 रुपये हो गया, ठीक है सर मैं एक और डिस्काउंट देता हूँ इसी पे 10%, कितना देता हूँ 10%, मैं चाहता हूँ कि जो मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ वो यहाँ से लगे, मतलब इस बैलेंस को घटाने के बाद ना लगे। अभी देखो ये डिस्काउंट कितना है, बैलेंस कितना है 50, इसका 20% डिस्काउंट कितना हो गया 10000 हो गया, तो बैलेंस कितना माइनस हो गया 40000 माइनस हो गया, इसका 10% 40000 का 10% कितना हो गया, तो ये उसका काटने की बात कर रहा है। उसने कहा नहीं सर जो बैलेंस हो इसी पे बताओ मुझे, इसी पे करना है, मतलब बिल सैंडी घटाने के बाद नहीं लगाना, आइटम पे लगाना है। तो आप लोग सोचो कैसे करोगे, आप लोग भी नहीं कर सकते, आइटम पे भी नहीं करना, वो इन्वेंटरी पूरे बिल के हिसाब से दे रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा बिल सैंडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज मैं आपको बिल सैंडी के सारे एग्जाम्पल बता के चलूंगा। उसका क्वेश्चन सोल्व कहां से हो गया, उसका क्वेश्चन का आंसर मिल गया यहाँ पर। अभी क्या लिखा था, नेट बिल अमाउंट क्या है आपका, मैंने कर दिया आइटम बेस अमाउंट, कि आइटम का जो अमाउंट होगा वही, आइटम का अमाउंट कौन सा होता है, आइटम का अमाउंट ये वाला होता है। अगर मैं इस पे F9 करूं और डिस्काउंट लिखूं 10, तो देखिए आ गया। तो बिल सैंडी में आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें समझने में, अब इससे रिलेटेड सारे टॉपिकों को एक बार समझते हैं। देखिए बिल सैंडी में जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक का नाम क्या है, नेम, तो ये कोई भी नाम हो सकता है, पैकिंग, स्लिप, बिल्टी चार्ज, CST चार्ज, टैक्स, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या नाम डालना है। दूसरा एलियाज नेम, एलियाज नेम क्या होता है, एक छोटा निक नेम, जैसे मैं आपको दिखाऊं मैं यहाँ पर CST लिखता हूँ, CST लिखा, जैसे ही मैं एंटर मारता हूँ तो क्या हो जाता है अपने आप सेंट्रल सेल टैक्स, तो इसके एलियाज में हमने क्या डाल रखा है शॉर्ट फॉर्म में CST, क्या डाल रखा है CST, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल टैक्स, क्या डाल रहे हैं सेंट्रल सेल टैक्स, तो ये छोटा नेम होता है। उसके बाद आता है प्रिंट नेम, प्रिंट नेम क्या होता है, जो बिल में छप के आएगा, तो आप यहाँ पर प्रिंट नेम अलग डाल सकते हो और प्रिंट नेम अलग डाल सकते हो। फिर आता है बिल सैंडी टाइप, कि टाइप क्या होगा, बिल में जोड़ना है तो एडिटिव, बिल में घटाना है तो सब्सक्राइब डाल के आप कर सकते हैं, तो ये आपका नेचर हो गया। उसके बाद आता है कि बिल सैंडी नेचर, कि ये CST है, वैट है या अदर है। अगर आपका कोई टैक्स रिलेटेड आता है तो आप उसमें वैट या CST ही लेंगे, लेकिन अगर कोई अदर है जैसे पैकिंग चार्ज, बिल्टी चार्ज और कोई चार्ज, तो किस में डालोगे आप, अदर के अंदर, किस में डालोगे अदर, बी था, बी मतलब बेसिक एक्साइज ड्यूटी, ए मतलब एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, तो अभी एक्साइज से रिलेटेड तो आप कुछ जानते नहीं हो, तो उसके लिए इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। अब आता है बिल सैंडी नेचर, डिफॉल्ट 500, मैंने कहा जब भी मैं बिल सैंडी को डालूं तो 500 रुपये, बिल सैंडी डालूं तो हमेशा कितना आ जाए 500 रुपये टैक्स है, कितना है 500, तो देखो जब मैं CST को F9 करूंगा और दोबारा CST डालूंगा तो ऑटोमेटिक कितना लग गया 500% आ गया। तो अभी मैं 500% की जगह इसको एब्सोल्युटली कर देता हूँ, ठीक है, गलती हुई तो गलती के लिए क्या करते हैं हम लोग F9, फिर क्या लिखते हैं राजू,
जीएसटी, तो देखिए फिक्स हो गया। जब भी बिल सेंडी डालूंगा कितना आएगा मेरा, 500 रुपये आएगा। नीरज थोड़ा देखिए उसको, वो कहीं टक रहा है, इसको इसको साथ में वाले अपने दादा, और इसको सेव कर दिया, कोई प्रॉब्लम। परसों तो आया था, तो छुट्टी कराया था तूने परसों क्लास से? संडे को तो आया था, हाँ सैटरडे को। कौन सी ये 5% डिफॉल्ट वाली? ये डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है कोई दिक्कत है? देन डिफॉल्ट क्या समझते हो आप बताओ? रुको रुको, डिफॉल्ट का इसको मतलब पता है बहुत सारे, बताइए डिफॉल्ट का मतलब क्या समझते हो? पहले आप डिफॉल्ट का मतलब बता दो। हैं, जैसे आप बोलते हो कि जब भी मैं बीजी को सिस्टम को ओपन करूँ तो मेरे पास डेस्कटॉप पर ये स्क्रीन आई थी, तो आपने क्या कर दिया, आपने इसको डिफॉल्ट कर दिया क्या? जब राइट क्लिक करके जब इसका प्रिंट देखते हो तो आप क्या करते हो, सेट एज अ डिफॉल्ट। तो ये डिफॉल्ट इसलिए होता है कि जब नेक्स्ट टाइम आप खोलोगे तो क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको भी कर दिया हमने कि जब भी मैं इसको टाइप, जब भी मैं CST को लिखूंगा तो मेरा कितना बैलेंस आ जाए, 500 रुपये, तो ये आपका 500 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ये नीचे आ रहा है सब टोटल हेडिंग, ये होता है जब आप बिल में काम करोगे ना तो बिल में लिख के आता है सब टोटल, ठीक है। आप इसको नाम चेंज कर सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं। नहीं, अब उस क्वेश्चन पे मत जाना, क्वेश्चन दूसरा हो गया। अब क्वेश्चन हमने बोला अपने हिसाब से, अब CST की बात नहीं हो रही, अब बात हो रही है किसकी, बिल सेंडी की, कि अगर बिल सेंडी में मैं 500 लिखूंगा तो 500 हो जाएगा, ठीक है। कोई इशू, तुम भी जा रहे हो, निकल जाओगे? नहीं, ये वो सी फॉर्म के हिसाब से उठाता था ना ऊपर से। भैया यहाँ पे पीस वगैरह कैसे लिखते हैं, जैसे कैसे ये इसके, अगर ये अब इसने, मैं बता रहा हूँ, सवाल तो करोगे, सवाल ही नहीं कर रहे। ओके भाई, अब इसके बाद देखो यहाँ आता है इफेक्ट द कॉस्ट इन सेल परचेस, कि जब आप लोग, आप जब भी करना चाहते हो कि जैसे मैंने सपोज ये आइटम खरीदी, इसमें मुझे 10,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, कितने का डिस्काउंट मिला, 10,000 रुपये। अभी आइटम मेरे को कितने की पड़ी, 40,000 रुपये की, तो एक आइटम की फीस कितनी हो गई हमारी, 400 रुपये हो गई। कितने की हो गई हमारी, 400 रुपये हो गई एक पीस की, कितनी हो गई, 400 रुपये हो गई। अब किसी को बेचोगे तो 400 रुपये तो आप सोचोगे मेरे को पड़ रहा है, बेचनी कितने की उसने हिसाब से लोगे। आप चाहते हो कि ऐसा इफेक्ट ना हो, मतलब ये इफेक्ट ना आए, क्या हो, मतलब जब भी मैं काम करूँ तो बीजी इसको मांगे 500 ही है, मतलब कितने माने, 500 ही है, ये घटाने के बाद उसका प्राइस बीजी ना निकाले। बीजी क्या करता है, अभी 500 है, फिर जितने डिस्काउंट होते हैं उस सारे को माइनस करता है, उसके बाद एक पीस की वैल्यू निकालता है, 40,000 की। तो आप अगर इस टॉपिक को नो कर दोगे इफेक्ट वाले को, तो ये क्या करेगा, आपको नहीं बताएगा, जितना होगा 500 के हिसाब से ही लेके चलेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो इफेक्ट का ये टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? ये आपके मेन टॉपिक था जो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, आ गया। देन बाकी ये होता है इफेक्ट अकाउंटिंग, इसमें आपको अकाउंटिंग मैनेज करनी है या नहीं करनी, तो अकाउंटिंग सबको मैनेज करनी होती है, तो इस टॉपिक को हम छोड़ ही देते हैं। देन अब ये बाकी टॉपिक तो आपको याद होगा, जब मैंने मैन्युफैक्चरिंग कराई थी सारे कवर करवाए थे, है राजू। अब नीचे टॉपिक दिखता है अमाउंट ऑफ बिल सेंडी टू बी ट्रीट एज। अभी पूछा है कि जो आप बिल सेंडी दोगे वो आप एब्सोल्युटली, मतलब फिक्स अमाउंट के हिसाब से दोगे, फिक्स अमाउंट समझते हो ना आप लोग क्या होता है, क्या बताना पड़ेगा। देख लो, एक डिस्काउंट है मेरा, ठीक है, फिक्स अमाउंट के ऊपर, ठीक है, कि मैं इसमें अपनी मर्जी से ही डिस्काउंट दूंगा, मैंने बोल दिया यहाँ पर फिक्स और सेव, कितना, 500। तो ये क्या होता है, फिक्स अमाउंट होता है। एक होता है हमारा डिस्काउंट परसेंटेज, क्या हो गया हमारा, परसेंटेज, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक करके और इसको ओके कर दिया, हाँ बैग रह गया, ठीक है, और यहाँ पर सेव कर दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, परसेंटेज हो गया। अब इसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था संदीप ने कि सर यहाँ पर पीस कैसे आता है, पीस तब आता है तब आप यहाँ क्या करते हो, डिस्काउंट फॉर पर पीस, पर
मेन क्वांटिटी, और आप यहाँ क्लिक करोगे तब आता है, देन सेव। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? हाँ तो पैसे यहाँ पे हम पैसे भी लिख सकते हैं ना, वहाँ पे भी हम मर्ज कर लेगा। हाँ ठीक है, तीनों समझ में आ गए? लेखराज, लेखराज ठीक है। बोलो ना, नहीं समझ में आ तो पूछो, इन तो कैसे बात बनेगी। सी एस टी देखो, अब तुम समझे नहीं, सी एस टी में 500 रुपये क्यों आ रही है, ये प्रॉब्लम है आपको है? ये आया, ये प्रॉब्लम है, कुछ और ही नहीं समझ में आया इसमें। आपको सी एस टी कितना परसेंट डालना है? 2% डालना है। तो ये बाय डिफॉल्ट सी फॉर्म से उठाते हैं उठाते हैं, लेकिन आपको दूसरे तरीके से उठाना है। तो आप पहले इस पे जाओ, ओल्ड प्लस एम करो। क्या करो? ओल्ड प्लस एम, जो आपने यहाँ दिया है ना, इसको यहाँ पर दो करो। दो कर दिया आपने, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? और यहाँ एब्सोल्यूटली या क्या कर दो? परसेंटेज कर दो। गलती हुई है, F9 सी एस टी लिख दो, बिल्कुल लेगा, दो डिस्काउंट कर दो। कितना? 2% हो गया। नहीं, दो चीज नहीं हो सकती सर। वैट लास्ट में लगता है। नहीं, अब मैंने क्या समझा रहा हूँ, ये चीज़ें समझा रहा हूँ। मैंने अगर इस पर डिस्काउंट दिया है, सपोज इस पर डिस्काउंट बना दे रहा तो 10, कितना हो गया? 45,000। अगर मैं इसके बाद वैट कैलकुलेट करूँ तो वैट कितना बनेगा मेरा? 2250 बनेगा ना। मतलब गवर्नमेंट को कब जा रहा है नेट अमाउंट पर डिस्काउंट जा रहा है गवर्नमेंट को? तो अगर तू 50,000 रुपये निकालेगा तो वो नुकसान कितना होगा? 5%, 2500 आ जाएगा यहीं, समझा मेरी बात? तो इसलिए लोग क्या करते हैं, पहले डिस्काउंट को लेस करने के बाद ही वैट लगाते हैं। क्वेश्चन समझे क्या है? डिस्काउंट कब लगाते हैं? मतलब डिस्काउंट पहले लगाते हैं, वैट बाद में लगाते हैं, ताकि जो वैट आए वो नेट अमाउंट पे आए। इसी के बाद देखिए और टॉपिक है। अब सर जो यहाँ पर डिस्काउंट है ना परसेंटेज वाला, सर इसमें ना ये 100% का मतलब क्या होता है, 70% का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझना। ये आपके लिए कभी यूज़ नहीं होगी, लेकिन पता होनी चाहिए। अभी आपने जो डिस्काउंट दिया वो इस टोटल अमाउंट का निकाला ना? मैंने बोला नहीं, इसका 80% के हिसाब से डिस्काउंट निकालना, 5%। मतलब 80% कितना हो गया इसका? 40,000। 40,000 का 10% या जितना भी है, F9 डिस्काउंट परसेंटेज, तो कितना आ गया? 800 कैसे आया? 40,000 into 2 divided by, ठीक है ना? समझ में आया कैसे आया, क्यों आया? कि मैंने बोला जो यहाँ पर प्राइस है, जो मतलब ये 100% वैल्यू है, इसको 100 मत मानो, इसका 80% के हिसाब से निकालो। लेखराज ठीक है। हाँ अब नेक्स्ट आता है नेट बिल अमाउंट। नेट बिल अमाउंट बताया था, बताऊं दोबारा? नेट बिल अमाउंट होता है कि जो उस बिल के अमाउंट के हिसाब से वो कैलकुलेट होता है ऊपर वाले से, ठीक है। अगर मैं इसी के नीचे एक और डिस्काउंट डालूंगा तो किसको लेता है वो? पहले इसमें से इसको माइनस करता है और फिर डिस्काउंट लगाता है ना राजू? डिस्काउंट प्लस हमने ऐड कर रखा था, प्लस में होगा ना भाई, माइनस कर दिया ना, ले अब डिस्काउंट हो जाएगा, हो गया माइनस। अब इसके बाद मैंने एक और डिस्काउंट है, 2 मिनट आप लोग बैठना भाई, ठीक है। लेस, और यहाँ कर दिया सब्सक्राइब, और यहाँ कर दिया सेव। मैंने कहा अब मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ ना इस पर, ये डिस्काउंट कैलकुलेट कब होगा? ये 10,000 के, ये मतलब कितना हो गया?
50,000, 5 माइनस करना 45 और फिर 10%, तो कितना आ गया 45। मैंने कहा नहीं, इसके ऊपर वाले आना चाहिए, कौन सा 50,000 का ही लेना चाहिए। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, नेट अमाउंट नहीं आइटम बेस अमाउंट, आइटम बेस अमाउंट। क्लियर हो गया? क्लियर नहीं हो? कोई नहीं, कोई इशू नहीं। अभी जो ये डिस्काउंट दिया था हमने किस पर दिया है, 50,000 पे। अब इस बिल की कीमत कितनी रह गई है? अब अगर मैं कोई डिस्काउंट डालूंगा तो कितने पे कैलकुलेट करेगा ये? 45 पे। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, मुझे 50 पे ही कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या करा, F9 इसको ऑल प्लस एम करा, नेट अमाउंट की जगह क्या कर दिया मैंने, आइटम बेस अमाउंट। तो मैंने इस पे कैसे राजू, कैसे सूरज, अब ये जो आपने जो बिल संडी बनाई ना, अब बिल संडी को नहीं मतलब, बिल संडी किसको मत लेके चलेगा हमेशा, इसको और 50 जो यहाँ वैल्यू होगी, समझे। बिल संडी को नहीं मतलब कि आपने बैलेंस घटाया, मतलब वो सोचेगा मेरे पास तो यही है। कल मेरे पास क्वेश्चन आ गया, मेरे पास क्वेश्चन आ गया, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, अगर आपको बीजी के अच्छी सीखना है तो एक पॉइंट को पता करो ना, ना और बताने से क्या है, बिल सेंडरी तो नॉर्मली बता रहा हूँ। बिल सेंडरी मतलब परसेंटेज का परसेंट निकलता है इसमें क्या, मतलब ऐसे मतलब नॉर्मल जैसे हम आइटम बेसिस की तरह उस नेट में करते हैं तो परसेंटेज का परसेंट निकालता है क्या? हाँ, अब नीचे मैं बताता हूँ अभी। इसके बाद आता है टोटल MRP ऑफ आइटम, कि आइटम के MRP के हिसाब से डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। आइटम की MRP कैसे है भाई, क्या होता है, जैसे सपोज इसका मैक्सिमम रेट प्राइस है 600 रुपये, कितना है 600, गलती हुई है F9, फिर डिस्काउंट, ठीक है, एक और बनाया मैंने डिस्काउंट, कौन सा है टोटल MRP ऑफ आइटम एड अदर, और यहाँ परसेंटेज लिखा मैंने किस पे क्रिएट कर दिया, आइटम पे, देन ओके, और इसका 10%। हटाना क्वेश्चन अभी देखिए, यहाँ 600 कैसे आया, क्योंकि आइटम का सेल प्राइस कितना है, सेल प्राइस तो 500 है, MRP कितनी है 600 है ना, 600 × 10 कितना हो गया 6000 का 10% कितना हो गया, तो कैलकुलेट कितना होगा, तो ये आइटम की MRP के हिसाब से कैलकुलेट। ठीक है, अब आता है टैक्सेबल अमाउंट, इसके बारे में हम बाद में सीखेंगे। अब आता है प्रीवियस ऑफ बिल संडी अमाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, एक बार मैं फंस गया था इसमें, क्वेश्चन आया टिकट का काम करता था वो, क्वेश्चन आ गया सर्विस टैक्स लगता था, सर्विस टैक्स तो 12% तो होता था, फिर 24% 0 मतलब 2% लगता था, जो 2% होता है वो 12% का 2% होता है, फिर 1% 12% का होता है, सर्विस टैक्स तुम समझोगे नहीं बता रहा हूँ, सर्विस टैक्स टोटल होता है 12%, कितना होता है आपका 12%। अब तो बंद हो गया, पहले क्वेश्चन बताऊँ जब मैं फंस गया था, तो उसी पे 2% टैक्स लग गया था, मतलब इसी का 12% का 2%, तो इसका कितना आता है 12% का 2% आता है इतना आता है, इसी फिर 12% का 1% आता है, 12% का 1%, हाँ 12% का पहले 2% फिर 1%, 0.12 आ गया, ये आ गया। तो मैं अब निकालना तो उसका सर्विस टैक्स निकल नहीं रहा था, परेशान हो गया, तो फिर मैंने सोचा, मैंने यहाँ लाया सर्विस टैक्स लिखा, मैं लिखा 12, ठीक है, फिर इसके अंदर था एजुकेशन सेस, क्या था मेरे पास एक एजुकेशन सेस था, तो मैंने यहाँ पर एजुकेशन सेस बना लिया, ठीक है, ऐड कर दिया, और मैंने परसेंटेज डाल दी 2% डाल के सेव कर दिया, और मैंने बोल दिया 2%, तो इसने कितने निकाल लिया उसके हिसाब से निकाल लिया। फिर एक होता था मेरे पास स्टैंडर्ड एजुकेशन सेस, ठीक है, सेस एक टैक्स होता है, और इसको सेक कर दिया, और उस पर डाल दिया मैंने 10%, तो वो तो परेशान हो जाता था कि भाई मुझे टोटल बिल का नहीं निकालना, मुझे इस बिल सेंडरी का 2% देना है, 12% का 2% देना है, क्या देना है 12% का 2% देना है। तो फिर मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ बोला प्रीवियस बिल सेंडरी ऑफ अमाउंट, देन सेव करा, गलती हुई F9, फिर एजुकेशन, फिर 2%,
12 रुपया है। फिर स्टैंडर्ड एजुकेशन, इसको भी ओल्ड प्लस एंड एंड देन प्रीवियस। कह रहा पहली वाली, मैंने कहा पहली वाली, आप दूसरी वाली भी कर सकते हो, उसमें ऑप्शन है आपके पास कि पहली बिल सरेंडी, सेकंड बिल सरेंडी या थर्ड। सेकंड कर देता उसका 1% हो जाता, मतलब 2% का भी 1%। गलती हुई है F9। कोई इशू आगे समझ में? तो ये आपकी बिल सरेंडी अभी खत्म नहीं हुई, बिल सरेंडी और भी बिल सरेंडी। अभी यहाँ पर है अदर, अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर अदर डाल दो, अदर के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, अब अदर अगर बिल सरेंडी पैसों में आ रही है तो इसको ऑटोमेटिक कर दो पैसों में ना, जैसे 50 पैसे 30 पैसे 20 पैसे आता है ना, तो बिल सरेंडी ऑटोमेटिक आएगी जैसे। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर जैसे 12 हो रही है, अब इसको यहीं कर दो कि ऑटोमेटिक, तो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। F9 स्टैंडर्ड क्यों नहीं आया? क्योंकि 12 पैसे हैं। अगर मैं इस बिल का अमाउंट 5000 कर दूं, ठीक है, कभी पॉइंट में नहीं आएगा। तो ये आज का टॉपिक क्या था हमारा? आज का टॉपिक था हमारा बिल सरेंडी। अगर किसी को भी बिल सरेंडी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं बेफिक्र। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या था हमारा? बिल सरेंडी। तो इसको बैठ के आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, 21 मिनट लगे।